Hi guys, my name is Ankit Gupta and I am going to teach you physics. My class name is Study with Ankit. So we are going to study the first chapter of physics, that is physical world. Before starting, I would like to tell you कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैं प्योरली समझा सकूं और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स स्टडी. हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज फिजिक्स, सेकेंड इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वर्ल्ड में, फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन, कौन कौन से कंजर्वेशन के लॉज हैं, और फिर हम क्यों पढ़े फिजिक्स को. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड द रियल वर्ल्ड. इन हिंदी फिजिक्स जो हमारा रिलेशन है मैथ्स और रियल वर्ल्ड के बीच में. हमें क्या है कि फिजिक्स इज नथिंग, इट इज द ओरिजिन व्हेन वी स्टार्टेड फिजिक्स इज नथिंग बट ये जनरेट तब हुई जब हमने रियल वर्ल्ड और मैथ्स के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करी. सो फिजिक्स ये है कि अगर हम जब भी किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को अगर हम उसे मैथ्स की एंटिटी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसे किसी इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो और लोगों के लिए इजी हो जाए या हम उसे इन फ्यूचर कोई हैवी टास्क के लिए यूज कर सकें, सो उसे फिजिक्स कहते हैं. सो फिजिक्स हमारे कहाँ कहाँ यूज होती है? फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज हो सकती है. शायद आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी भी होगी, या नहीं पता तो कोई बात नहीं. इसमें क्या होता है, हम स्पीड चेक करते हैं कि किस स्पीड से केमिकल रिएक्ट कर रहा है. मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में हम ऑलरेडी आपने देखा होगा स्पीड जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अकाउंट जो है वो सब हम मैथ्स की तरह हैंडल करते हैं. तो फिजिक्स में जो है मैथ्स कैसे यूज होती है? फिजिक्स में मैथ्स होती है सिंपली, जैसे आपने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के लेट में किस तरह से निकाला गया है ये सब मैथ्स की वजह से हमने किया है. सो यहाँ फिजिक्स मैथ्स की तरह किस तरह से यूज होगी? सो दिस इज द फिजिक्स, द रिलेशन बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द मैथ्स. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो अब तक आपने पढ़े होंगे शायद मस्कुलर फोर्स, केमिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जे सिंपली हम वोल्टेज कहते हैं. आपने काफी चीजें पढ़ी होंगी, काफी टाइप के फोर्सेस, बहुत से मैनी टाइप्स, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग नेम, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन फोर्स, काफी टाइप के फोर्स होते हैं. बट ये फोर्सेस एक्चुअल फोर्स नहीं है, इनको बनाने वाले जो रियल फोर्स है वो चार फोर्स है जिनके बारे में बात करा जाएंगे. सो दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स SNF, वीक न्यूक्लियर फोर्स WNF, ग्रेविटेशनल फोर्स GF एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF. सो हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि आप नाम पढ़ सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो एक न्यूक्लियस से रिलेटेड है. लाइक इफ यू हैव अ न्यूक्लियस, उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जिसको हम कॉम्बिनेशनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. एक छोटा सा रूल आपने पढ़ा होगा हमेशा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर. जो न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूट्रल होते हैं, स्टिल ये न्यूक्लियस को बर्स्ट नहीं कर रहे, मतलब ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं कुछ नहीं कर रहे. रीजन यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इसको बाइंड करके रखा हुआ है. यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी जनरेट होता है. अगर हम थोड़ा डीप जाए तो इस फोर्स का जनरेशन होता है ड्यू टू अ न्यू पार्टिकल कॉल्ड
ग्लियोन्स, ये ग्लियोन्स पार्टिकल है जिनकी वजह से ये सब आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड रहते हैं। सो दिस इज द बेसिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अब तक का। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, सो एज इट्स नेम डिफाइंस न्यूक्लियर फोर्स, ये भी ऑल्सो एक न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियस या एटम के अंदर मिलता है हमें, बट ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। बिकॉज इसका नाम वीक इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले इसमें एनर्जी कम है, ये उससे कई गुना कमजोर है। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज आवर एटम। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। डबल एनएफ इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है अपने एटम में से और कुछ एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन एटम यहाँ पे जब बाइंड रहता है क्या क्या रिलीज करता है, क्यों रिलीज करता है, क्या क्या पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे बाइंड कर रखते हैं, वहां पे फोर्स जनरेट होती है, इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। रीजन है जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो अपने साथ एक न्यू पार्टिकल लेके एमिट होता है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू माइनस पार्टिकल। ये पार्टिकल जब एमिट होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वही जो एनर्जी है उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सो दिस इज आवर वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेट्स स्टडी अबाउट नेक्स्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है, इट इज सिंपली एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। जी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एम वन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, एम टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो यहाँ पे आपने देखा स्पेशली हम सिर्फ मास और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जहां पे भी मास होता है, जहां पे भी मास, दो ऑब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं और उन दोनों में कुछ मास है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा और उनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो फोर्स उतना कम होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो यहाँ सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास थोड़ा काफी कम है और डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा है। रीजन क्योंकि यहाँ पे जो मास है सन का, इट इज एनॉर्मस, वेरी बिग, इसी वजह से इसकी जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो बहुत दूर तक है। सो दिस इज अबाउट आवर ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी, हमारा मिल्की वे ये सब वर्क कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट फोर्स, लास्ट फोर्स, ईएमएफ और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो फोर्स की वजह से बना हुआ है, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम दोनों फोर्स को एक साथ कंबाइन करके क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन, जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स अपने आप जनरेट हो जाता है, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप जनरेट हो जाता है। सो दैट्स द रीजन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से ये जनरेट होगा इसकी वजह से ये जनरेट होगा। आपने एक सिंपली अगर घर पे कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, एक मोटर हो उसको खोला होगा तो उसके अंदर देखा होगा उसके अंदर मैग्नेट्स होती है और उसको आप चार्ज भी देते हैं। सो दैट्स द रीजन कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट मैग्नेटिक फोर्स सिंगल काम नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दैट्स द रीजन, और इसको प्रूव किया था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इज सेम। मैक्सवेल प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर सेम एंड हेंस ही नेम्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो आवर थर्ड टॉपिक इज
लॉज ऑफ कंजर्वेशन। सो हमारे पास के चार लॉज हैं। लॉ फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आपने एक छोटी सी डेफिनेशन हमेशा सुनी होगी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि एनर्जी अगर कहीं पे भी है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं की जाती। इट कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप अपनी बाइसिकल चला रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए बाइसिकल पे, तो आपके घर तक अपनी मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है फिर मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से बाइसिकल मूव कर पाती है। क्योंकि आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी है, आगे मूव कर रही है, बट रीजन यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होता है जो है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो इसकी वजह से डिक्रीज होता है। जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे आप एनर्जी और देने की कोशिश करते हैं, बट आपकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बाइसिकल वो आगे मूव कर रही है, राइट। तो एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज चेंजिंग फ्रॉम वन थिंग वन टाइप टू अनदर टाइप। सो आवर सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज मूवमेंट इन लीनियर डायरेक्शन, यानी कि आप किसी भी एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। दिस कैन बी अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं बट एक सर्टेन एंगल पे स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, सो दिस इज अ लीनियर मोशन। दिस इज नॉट अ सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। सो आप अगर किसी भी एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आपका जो मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। रीजन, क्योंकि अगर आपके पास कोई एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में चेंज नहीं हो रही तो वो कंजर्वड है। बट आपने अगर आप इसको अर्थ पे यूज करेंगे, अगर आपने किसी को फोर्स किया, यू हैव फोर्स्ड अ बॉल, तो वो कुछ दूर बाद रुक जाएगी। रीजन, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो फाइनली रुक जाएगी, इट विल स्टेशनरी। बट अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को स्पेस में प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अगर आपने वहां पे किसी बॉल को पुश किया तो वो तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल जाता उसे, या उसे कुछ स्टॉप करने के फोर्स नहीं मिल जाता। तो दिस इज आवर लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अपन थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम काफी हद तक सेम है, बस द चेंज इज एंगुलर मोमेंटम में हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं या किसी एंगल पे मूव कर रहे होते हैं जो कॉन्स्टेंट चेंज होता रहता है। लाइक इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो योर एंगल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्व रहेगा। रीजन, अगर आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर फोर्स पे, मैंने आपको कहा जैसे लीनियर मोमेंटम में अगर आप किसी चीज को पुश करते हैं तो उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहेगा, सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, तो ये भी उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। बट अगर आप अर्थ पे इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो स्टिल सेम रीजन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन, वो नहीं हो पाएगा। बट आप इसे स्पेस में करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन अप टू द इंफिनिटी। सो अपन लास्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज, आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट चार्जेस इन योर 9th and 10th, लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द चार्जेस, हम शो करेंगे चार्ज को नेगेटिव और ऐसे पॉजिटिव करके, राइट। सो चार्जेस किस तरह से कंजर्व करते हैं? अगर हम इन दोनों को एड ऑन करें, मान लीजिए 2 है और ये 3 है, सो फाइनली -2 + 3 = 1। बट अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी एक कंटेनर के अंदर परफॉर्म करें तो ये दो चार्जेस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, हालांकि इनके अंदर एड ऑन्स होके ये वापस वन बन जाएंगे, बट ये दोनों चार्ज स्टिल वहीं पे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए, दे आर नॉट डिस्ट्रॉय, दे आर जस्ट चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। लाइक नेगेटिव चार्ज इज चेंज इनटू अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज फाइनली डिक्रीज। बट ये जो चार्ज डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए या कुछ भी होता है, इसकी वजह से हमारा फाइनल जो आउटपुट होता है वो चेंज नहीं होता।
अगर आप किसी रूम में कर रहे हैं किसी या किसी कंपाउंड में या किसी कंटेनर में, सो फाइनली जो दो ऑब्जेक्ट है आप इसे फाइनल -2 और 3 की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कंजर्व्ड है, ये कहीं चेंज नहीं हुए। दैट मींस ओवरऑल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, नीड ऑफ स्टडी फिजिक्स। कि हमें क्या जरूरत है फिजिक्स को पढ़े, इसके दो रीजन है, यूनिफिकेशन, सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन। सो यूनिफिकेशन इज सिंपल अ टर्म जिसमें हम कहते हैं कि हम दो डिफरेंट थिंग्स को एक सिंपल थिंग में बताने की कोशिश करते हैं। सो इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, लाइक EMF। मैंने आपको बताया था EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे दो फोर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, जिसको मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं, ये सिमिलर फोर्स हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिफिकेशन की दो फोर्सेस की और उसे सिंगल फोर्स में बता के हमने कोशिश की कि हम इन दोनों फोर्स को डिफाइन कर सके एक सिंगल तरीके से। सो दिस इज आवर यूनिफिकेशन, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं डिफरेंट थिंग्स को जो काफी मुश्किल है या डिफिकल्ट है उनको सिंप्लीफाई कर सके। नाउ देयर इज अ टर्म सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन मींस? सिंप्लीफिकेशन मींस इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, लाइक आप एक डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं विच इज 25 किलोमीटर लॉन्ग और आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, सो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कोई ना फॉर्मूला तो चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका तो होना चाहिए जिसकी वजह से हम इसे सॉल्व कर सकें। तो इसका एक तरीका है, हम इसे क्या करेंगे, 25/5 करें और हमारे पास 5 आंसर आ जाए। तो हमने कैसे किया, इसके लिए हमने छोटा फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फिर हमने इस टाइम को चेंज किया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और फिर हमने इसे यहाँ पुट किया, डिस्टेंस यहाँ पे 25 है, स्पीड हमारी 5 है और टाइम हमारा 25/5 5 आवर। सो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है जिसकी वजह से हमने फिजिक्स की यूज से मैथमेटिक्स टर्म में कुछ फॉर्मुलेस रेड्यूस किए और हम उसे यूज कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिजिकल वर्ल्ड में इससे कुछ खास नहीं है ज़्यादा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप SRO ले सकते हैं या फिर अपनी मेन कोर्स बुक यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल यू अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। थैंक्स, जय हिंद।